हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंगल कलर का एक बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में, बच्चों के प्रोजेक्ट में या जेंट्स प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद अच्छा लगेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 15 फंदे डाले हैं। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 3 फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने टोटल 15 फंदे डाले हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को आप सीधा बुनना चाहें तो बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 फंदा हमने बुन लिया और छठे फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के सीधा बुनेंगे। 2 बार ऊन लपेट के सीधा बुन लिया, तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 5 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5, और छठे फंदे को सिलाई में एक बार हमने घुमा लपेटा, फिर एक बार और लपेटा, 2 बार लपेट के और हम सीधा बुनेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनना चाहें तो उल्टा बुन सकते हैं या फिर स्लिप कर सकते हैं। दूसरा फंदा उल्टा, 3, तो 3 फंदा हमने उल्टा बुन लिया। चौथा फंदा देखिए, ये सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा हुआ फंदा है, जिसे हमने सामने की तरफ से 2 बार सिलाई में ऊन लपेट के सीधा बुना था, तो इसे हम खोल लेंगे। और फिर इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे ऐसे ही स्लिप कर लेना है। फिर अगले 5 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदा उल्टा बुना, छठा फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के बुना गया है, तो इसे हम खोल लेंगे और इसे बुनना नहीं है, इसे यूं ही सरका लेंगे। फिर अगले 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। 3 फंदा उल्टा बुना, उन दूसरी ओर करेंगे और अब हमें इन 3 फंदों को आपस में ट्विस्ट करना है। तो तीसरे फंदे को हम सामने की तरफ से, पहले तीसरे वाले फंदे को हम सामने की तरफ से ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, उन दूसरी ओर। इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो इन 3 फंदों को ऐसे गिरा देंगे। पहले और दूसरे वाले फंदे को पीछे की तरफ से हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे फंदे को सामने की तरफ से दाईं सिलाई से ऐसे खींच के लाएंगे और ऐसे सीधा करते हुए बाईं सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे।
लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर इन तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन सॉरी इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये हमारे तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर और देखिए ये तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है उन दूसरी ओर। अब देखिए तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरी ओर लास्ट में देखिए तीन फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा चार लाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं चार लाइनों को हमें दोहराना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पांच फंदा हम ये सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और छठे वाले फंदे को सिलाई में एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा बुन लिया। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, छठे वाले फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, चौथा फंदा देखिए सिलाई में दो बार लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे हम खोल देंगे, इसे हमें बुनना नहीं है। अगले पांच फंदे हम उल्टा बुनेंगे। छठा फंदा देखिए लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे हमें बुनना नहीं है, इसे खोल लेना है और दाहिनी सिलाई में कर लेना है। अगले पांच फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर इन तीन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। पहले हमें तीसरे वाले फंदे को बुनना है, तो ऐसे सामने की तरफ से पहले तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब इसे साइड करेंगे और फिर पहले फंदे को सीधा, फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो ये तीन फंदे हमने बुन लिए और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अगले तीन फंदे, इन्हें हमें ट्विस्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले ये जो तीसरा फंदा है इसमें हम ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसे साइड कर देंगे। अब पहले फंदे को सीधा, फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो इस तरह हमने तीन फंदों को बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट में तीन फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह चार फंदे का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चार फंदों को और चार लाइन को हमें इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में और इन्हीं चार लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना सुंदर है और बनाना कितना आसान। फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।